हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, 6 दिन हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली कल और परसों 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और उससे 2 दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। मतलब 4-5 दिन ऐसे ही रहा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ठंड से ना मतलब दोनों के हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो कल भी ऐसे ही रहा, परसों भी, मतलब 4 से 5 दिन हम ऐसे ही चल रहा था। उससे 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और उससे उसके 2 दिन बाद मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कल भी। तो अभी मतलब मैं ठीक हूँ, कल मैंने रात को दवाई ली थी तो अभी मैं बेटर हूँ पहले से। और आप बताइए, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। और ठंड में ना ऐसे ही हो रहा है बस। और बताइए आप सब कैसे हैं? बस 6 दिन से इसलिए मेरी भी इस वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम थोड़ा ठीक नहीं थे और अब थोड़ा ठीक हैं, बेटर हैं पहले से। तो अब कोशिश है कि कंटिन्यू मेरा ब्लॉग आएगा, ठीक है गाइस? तो गाइस आ जाइए, आज करते हैं कुकिंग। कुकिंग तो मैं करती हूँ, बट जगह कुछ पतली पतली लग रही होगी आप लोगों को, लग रही है, क्योंकि ये हमारा किचन नहीं है। एक्चुअली हम हैं अपनी सासू माँ के घर पर और वहाँ हम कर रहे हैं कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं मटन मटन कबाब जो होते हैं उसकी बिरयानी। अनियन काट रही हूँ, जो नॉन वेज नहीं खाता प्लीज़ मेरी वीडियो को अवॉइड करें, ना देखें। अगर जिसको भाई खाना पसंद नहीं है और जो खाते हैं वो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे मेरी समझ के चाकू नहीं मिल रहे हैं, मैं अपनी समझ के चाकू ढूंढ रही हूँ। होता है ना जो, जिससे हम मतलब रेगुलर सब्जी वगैरह काटते हैं तो वही हमारा हमें शूट हो जाता है। शायद मैंने पहले लोहड़ी का व्लॉग डाला था, फिर उसके बाद मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। होता है जब हम ठीक ना हो या घर में कोई ठीक ना हो ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बट कोई नहीं, हम ठीक है। एक प्याज मैंने काट लिया है, शायद एक प्याज और काटना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ठंड में तो प्याज से आंसू नहीं आते हैं, लेकिन ना क्या बोलते हैं, गर्मियों में तो काफी आंसू आते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा हो रहा है, तेज है प्याज।
मैं रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि गाइस काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। बस मैंने इसलिए सिर्फ बता दिया है आपको। देखती हूँ, अगर रेसिपी आप मैं शेयर कर पाई तो मैं कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आप मेरी वीडियो मत देखिएगा जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैं बहुत जल्द ट्राईपोड लेने वाली हूँ, अभी तो मैंने लिया नहीं है, अभी मेरे पास है भी नहीं। अभी मैं कहीं भी मतलब कैमरा रख देती हूँ, कहीं भी सेट कर देती हूँ और वीडियो बनाना चालू कर लेती हूँ, या फिर मैं मतलब हाथ से बना लेती हूँ। तो अभी मुझे इतनी नीड नहीं है, अभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, लाइक आ जाए चैनल पर, तो फिर अच्छा भी लगता है ना। बट कुछ नहीं, कोई नहीं, लेना तो पड़ेगा ना, ट्राईपोड एक माइक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सही बोल रही हूँ बट आप तक आवाज़ पहुँच रही नहीं पहुँच रही है वो मुझे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, नहीं तो सारी वीडियो बेकार जाएगी। अभी देखो मैंने अनियन काट के रखे हैं। एक चीज़ अच्छी है मेरी ससुमा की कि एक्चुअली ना अदरक लहसुन का पेस्ट वो बना के रख देते हैं, मुझे कूटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ना मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पीस मतलब कूट के डालती हूँ, मम्मी ऐसे ही रख देते हैं, है ना, कि अब मुझे लहसुन अदरक काटने की जरूरत नहीं है। बिरयानी में पहले करते हैं प्याज फ्राई, ठीक है गाइज। मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, इसमें अनियन डाल दिए हैं, ये अब हो जाएंगे फ्राई, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। इसको निकालने के बाद मैं कबाब को भी फ्राई करूँगी, उसके बाद बनेगा, ठीक है सर। गाइज अभी जो प्लान था बिरयानी बनाने का वो हो गया कैंसिल, या बीच में खाना बनते बनते प्लान भी कैंसिल हो जाता है, तो अभी प्लान कैंसिल हो रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ लाइक कोरमा टाइप, जो मटन कबाब है हमारे उसके कोरमा बना, उसका कोरमा बना दूँगी अब मैं। जो मैंने अभी ब्राउन करे थे प्याज उसको मैं कर रही हूँ ग्राइंड, और मैंने अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने मटन कबाब को फ्राई कर लिया है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, गिर ना जाए। हाँ देखो गाइस, ये देखो मैंने ब्राउन करा था जो ही, इसको मैंने पीस लिया है, आई थिंक थोड़ा सा और पीस लेती हूँ, थोड़ा सा और पीसने की ज़रूरत है इसे। कंप्लीट, ये देख लीजिए आपको दिख रहा है। इसको भी रख देते हैं हम साइड में, खाना बनने के बाद हम कर लेंगे इसको क्लीन। कोरमे में डलता है दही, ठीक है, तो इसलिए हम दही नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ठंड का टाइम है, और मैं टमाटर ही डालूंगी। अभी मैं कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ कुछ ये बे लीफ, इलायची और ये, ठीक है।
उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने अभी कबाब फ्राई करा था और ऑनियन फ्राई करा था उसी में मैंने उसी ऑयल में मतलब मैंने थोड़ा ऑयल निकाल दिया था, मैंने ये सब चीज़ डाल दी है। उसके बाद डाल दिए हैं मैंने कबाब और अब मैं डालूंगी उसके ऊपर से एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पर डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिला लेते हैं सही से। इसको मिलाने के बाद मिलती है गाइस मैंने टमाटर डाल दिया है। अब हम डालेंगे ऊपर से हमारे जो कॉमन मसाले होते हैं घर के सूखे मसाले, ठीक है। इसमें मैंने सारे डाल लिए सूखे मसाले, हम इसे कर लेते हैं मिक्स, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मैंने इसमें सूखे मसाले डालते हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको रख देंगे हम ढककर, उसके बाद हम मिलाएंगे जो हमने प्याज ग्राइंड करके रखे, ठीक है गाइस मिलते हैं बाद में। हमारा यहाँ पर खाना बन रहा है गाइस और ठंड काफ़ी हो रही है, इसको मैंने ढक के पका रही हूँ। उसके बाद मैंने ये जो रखा है इसको मतलब जो मैं अभी ग्राइंड करा था अनियन वो डालूँगी, थोड़ा सा भी मतलब टमाटो है जो मैं उसको पीस के नहीं डाल पाई क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ये जल्दी पक जाता तो फिर मैं डाल नहीं पाती, तो इसलिए मैंने टमाटर को कट करके हल्का मतलब छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में नमक वगैरह डाल दिया, उससे थोड़ा गल जाएंगे, उसके बाद मैं वो डालूंगी, ठीक है। गाइस डिनर बन चुका है, कम करना टीवी। हाँ मुझे ला रहे हाँ क्या कह रहे हो, टीवी कम करो आवाज आ रही है, ठीक है टीवी कम करो, हाय कर दो और सबको म्यूट कर दो ना 2 मिनट। नहीं अच्छा हाय तो कर दो सबको, हाय और कुछ वेटिंग किसका वेटिंग, बॉस देख रहे हैं आएगा भी। अभी नहीं आएगा, आज बिग बॉस नहीं आता। भाव तुम्हारे व्लॉग में मेरे ये टोपी पहन के आते हो ना, कैप पहन के आते हो, ठंड हो रही है तो पहनना तो पड़ेगा ही। कल हमारे कितने सर में दर्द था ना दोनों के, हाँ। क्योंकि गाइस हमारे ठंड में काफी दर्द हो जाता जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया और इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, है ना। बहुत तबीयत खराब थी हमारी, अब ठीक हो ना, अब भी थोड़ा ठीक है बस ज्यादा नहीं, मैंने बताया ठीक है अभी ज्यादा नहीं है, मैंने पहले बता दिया है कि ना वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, व्लॉग हमारा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम दो दिन मैं बीमार हुई, उससे 2 दिन पहले तुम बीमार थे, है ना। हाँ काफ़ी हम ठंड में ना बीमार हो जाते हैं दोनों, है ना बाबू। खाना खा लो, खाएंगे अभी, आप लोग भी खा लीजिए गाइस। गाइस अभी हम खा रहे हैं केक एंड कस्टर्ड, आइए आप सब भी खा लीजिए, अभी हमने डिनर नहीं करा, उससे पहले हम पहले ये खा लें उसके बाद डिनर करेंगे। वो जैसे तारे जमीन पे आते हैं ना, आप सब भी खा लीजिए। फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है,
ये लो। मिस्टर माथुर आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर चेक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को फाइल पर ले जाकर चेक कीजिए, बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। मैं पता हूं हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर कि मैं बाप से सीख क्या, मैंने पापा से सीख क्या। तो गाइस डिनर हो चुका है और मेरा खाना चल गया है, ठंड हो रही है, मन भी नहीं कर रहा खाने लटाने का। तो गाइस डिनर हो चुका है डन, व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और टाइम हो चुका है रात के 11:15 का टाइम हो रहा है और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।